तो जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आज है आपका 12 अगस्त और 12 अगस्त को आपका फ्रेंड्स आपका एमपी पुलिस का जो एग्ज़ाम है आपका स्टार्ट होना था, जो कि आपका 3 शिफ्टों में एग्ज़ाम कंडक्ट होना है, लेकिन आपका आज सिर्फ 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम था, जो कि फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है आपका समाप्त हो गया है, सॉरी सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है, फर्स्ट शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम नहीं था। ठीक है, तो क्या क्या जीके जी इसके प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को देखेंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, ताकि आगे आने वाले शिफ्टों में जिनका भी एग्ज़ाम बाकी है उनको मदद मिल सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। से पहले एमपी पुलिस से जुड़े हर पल अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए पहला जो प्रश्न है आपका वह है कि कुचिपुड़ी जो नृत्य है आपका किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो कुचिपुड़ी नृत्य के विषय में आपसे पूछा गया था, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। कुचिपुड़ी नृत्य का जो संबंध है वो आपका आंध्र प्रदेश से है। इसके अलावा यह एक अभिव्यंजक नृत्य प्ररूप है जो कि नृत्य संगीत और नाट्यम का संगम है। इसके लिए व्यापक फुटवर्क की आवश्यकता होता है। ठीक है, तो जैसा कि फ्रेंड्स आपका कुचिपुड़ी नृत्य पूछा गया था, तो भारत में वर्तमान में 8 प्रकार का आपका शास्त्रीय नृत्य है। वो कौन कौन से 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य हैं, तो एक तो आपका कुचिपुड़ी हो गया, दूसरा दोस्तों आपका भरतनाट्यम, भरतनाट्यम के अलावा भरतनाट्यम आपका कहाँ का है, तो तमिलनाडु का है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछ दिया जाए अगला सतरिया कहाँ का है, तो सतरिया दोस्तों आपका असम का है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपका केरल से 2 याद रखना है, कौन कौन से याद रखना है, तो मोहिनीअट्टम को याद रखना है और दोस्तों आपका कथकली। ठीक है, मोहिनीअट्टम और कथकली आपका ये 2 शास्त्रीय नृत्य आपका केरल से है। इसके अलावा कथक एक याद रख लीजिएगा जो कि दोस्तों आपका उत्तर भारत से है। इसके अलावा 2 और है आपका उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य जो कि आपका नाम से ही लग रहा होगा उड़ीसा का है, कभी पूछा नहीं जाएगा। एक आपका मणिपुरी है जो कि आपका मणिपुर का है। ठीक है, तो ये 8 शास्त्रीय नृत्य दोस्तों आपके भारत में वर्तमान में, इसको आपको याद रख लीजिएगा, हर शिफ्ट में एक प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया कि भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है। ठीक है, तो सबसे दूसरी जो लंबी नदी है वो दोस्तों आपका गोदावरी नदी है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, गोदावरी हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा सबसे पहली लंबी नदी कौन है सबसे बड़ी, तो दोस्तों आपका गंगा है। गंगा के बाद दूसरी दोस्तों आपका गोदावरी है। गोदावरी महाराष्ट्र के कहाँ से निकलता है, तो त्र्यंबकेश्वर से निकलता है। ठीक है, इसके अलावा यह महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसी राज्यों में बहता है। अंततः इसकी सहायक नदियों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में खाली हो जाती है। ठीक है, तो गंगा दोस्तों आपका पहला है। गंगा कहाँ से निकलता है, तो गंगोत्री हिमालय से निकलता है। गंगा दोस्तों 2 नदियों का संगम है, आपको मालूम होगा, जो देवप्रयाग में आके मिलता है। मान लीजिए कि ये दोस्तों आपका देवप्रयाग है, तो यहाँ पर दोस्तों एक आपका अलकनंदा नदी आ रहा है, एक भागीरथी, दोनों आकर यहाँ पर मिलता है, तो यहाँ से जो नदी बहती है वो दोस्तों आपका गंगा नदी कहलाती है। तो सबसे लंबी नदी आपका गंगा है, दूसरी आपका गोदावरी है, इस बात को याद कीजिएगा। इसके अलावा आपका 10वां नदी पूछ ले, सबसे लंबा 10वीं नदी कौन सी है, तो यह दोस्तों आपका तापी है, जिसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वह क्या कब तक होता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है आपको हम बताए थे, बहुत बार बता चुके हैं, एसएससी के एग्जामों में एनालिसिस भी करवाते हैं। तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है आपको 5 वर्षों का होता है। ठीक है, आपको मालूम होगा कितने वर्षों तक होता है, 5 वर्षों तक होता है। इसके अलावा राष्ट्रपति बनने के लिए किसी भी व्यक्ति का जो उम्र होना चाहिए आपका 35 वर्ष होना चाहिए। 35 वर्ष का कम आयु होगा तो आप राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं। ठीक है, इसके साथ उसे सांसद बनने का योग भी होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा उपराष्ट्रपति का अगर आपसे पूछ दिया जाए, तो उपराष्ट्रपति का आपका कार्यकाल कितना होता है, तो ये भी आपका 5 वर्षों का होता है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है, तो यही भी 5 वर्षों का ही होता है। इसके अलावा राज्यपाल, मुख्यमंत्री का भी पूछा जाए, तो ये भी दोस्तों आपका 5 वर्षों का ही होता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपसे राष्ट्रपति बनने का उम्र आपका 35 है, उपराष्ट्रपति का बनने का उम्र भी आपका 35 है। इसके अलावा लोकसभा सदस्य बनने का उम्र अगर आपसे पूछा जाए, तो ये दोस्तों आपका 25 है। वहीं पर राज्यसभा सदस्य बनने की उम्र आपसे पूछा जाए, तो वो दोस्तों आपका 30 है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि श्वेत जो क्रांति है उसका संबंध किससे है। ठीक है, तो श्वेत जो क्रांति है वो दोस्तों आपका अमूल से इनका संबंध है। ठीक है, अमूल भारत में एक डेयरी सहकारी समिति है जो कि गुजरात के आनंद में स्थित है। ठीक है, तो भारत में श्वेत क्रांति अमूल की स्थापना से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, अमूल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो दूध उत्पादन से। ठीक है, दूध उत्पादन से संबंधित है, तो राइट आंसर आपका दूध उत्पादन हो जाएगा। ऑप्शन में क्या दिया गया था आप लोग बताइएगा। और भारत दूध उत्पादों का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि रिवर्स जो रेपो रेट है वो दोस्तों आपका क्या होता है। तो रिवर्स रेपो रेट वह दर होता है जब आरबीआई देश के वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है। ठीक है, एक दोस्तों आपका इकोनॉमिक्स का 2 शब्द आपको याद रखना है, एक दोस्तों आपका रेपो रेट, एक दोस्तों याद रखना है आपका रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, तो रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है कि भारत का जो केंद्रीय बैंक है यानी कि आरबीआई है, वो दोस्तों किससे उधार लेती है, वाणिज्य बैंकों से। वाणिज्य बैंकों की बात करें तो जितने भी आपके भारत में आरबीआई के अलावा बैंक है, सभी वाणिज्य बैंक के ही
क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि RBI जब आपका SBI से बैंक उधार लेता है तो दोस्तों आपका रिवर्स रेपो रेट हो जाएगा। वहीं पर जब आपका SBI आपका RBI से उधार लेगा तो ये दोस्तों आपका रेपो रेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग याद करना पड़ेगा। ठीक है, यह वह दर है जहाँ भारत में वाणिज्य बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के पास अतिरिक्त धनराशि जमा करती है। ठीक है, मान लीजिए कि SBI के पास ज़्यादा धन हो गया है तो दोस्तों आपका रिवर्स रेपो रेट के तौर पर आपका भारत के रिजर्व बैंक है वहाँ पर दोस्तों ये धन जमा कर देगा, वही दोस्तों आपका रिवर्स रेपो रेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो पूछा गया कि संयुक्त अरब अमीरात की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी। ठीक है, तो संयुक्त अरब अमीरात की पहली अंतरिक्ष यात्री आपसे पूछा गया था तो अंतरिक्ष यात्री और इंजीनियर नोरा अलमतोसी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नोरा अलमतोसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वो दोस्तों आपका अप्रैल 2021 में अंतर्राष्ट्रीय मिशनों के लिए विशेषज्ञ बनने के लिए नासा के अंतरिक्ष यात्री समूह 23 के साथ परीक्षण से गुजरी थी और ये दोस्तों आपका संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात की पहली अंतरिक्ष यात्री भी बनी थी। इसके अलावा ये दोस्तों आपका उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात विश्वविद्यालय से BS किया था और ट्रेड से मैकेनिकल इंजीनियर है। ठीक है, इसके अलावा 10 अप्रैल 2021 को संयुक्त अरब अमीरात के अंतरिक्ष कार्यक्रम के अगले दो अंतरिक्ष यात्रियों की घोषणा भी की जा चुकी है जिनका पहला नाम दोस्तों आपका उन्हीं का था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सतरिया किस राज्य का शासनीर थे, तो सतरिया के विषय में हमने आपको बताया था फर्स्ट ही क्वेश्चन में कि आपका ये कहाँ का शासनीर थे तो असम का है। तो देख लीजिए आज ही दो शासनीर से संबंधित आपका प्रश्न आ गया है। ठीक है, इसके अलावा सतरिया नृत्य की बात करेंगे, इसके संस्थापक सदस्यों के बारे में संस्थापक के बारे में तो श्रीमंत शंकरदेव। ठीक है, श्रीमंत जो शंकरदेव है ये दोस्तों आपका सतरिया नृत्य के संस्थापक है जो कि आपके माने जाते हैं। ठीक है, इसका जो उद्भव है आपका 15वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के दौरान आपका हुआ था। इसके अलावा दोस्तों आपका असम से और याद रखना है, एक दोस्तों आपको बिहू याद रखना है। ठीक है, बिहू जो नृत्य है ये दोस्तों आपका असम का है या बिहू फेस्टिवल दोनों पूछ दिया जाए तो एक ही नाम से दो नृत्य फेस्टिवल दोस्तों आपका कहाँ का है तो ये दोस्तों आपका असम का ही, इसको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका कि रुक्मणि देवी अनुले का जो संबंध है आपका किससे है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों भरतनाट्यम हो जाएगा। भरतनाट्यम के विषय में हमने आपको बताया ऊपर कि तमिलनाडु का यह शास्त्रीय नृत्य है, तो रुक्मदेवी अनुले एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी जो कि भरतनाट्यम नृत्य के पुनर्जागरण के नेतृत्व किया था। अब मद्रास चेन्नई में कला क्षेत्र फाउंडेशन, ठीक है, कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना मद्रास में इन्होंने किया था, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा वह एक थियोफेसिस्ट भी थी, यानी कि एनिविसेंट जो आपका थियोफेसिस्ट सोसाइटी की स्थापना भारत में किया था उनसे वो जुड़ी हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे वो पूछा गया कि वंदे मातरम समाचार पत्र है जो कि कब प्रकाशित किया गया था, तो वंदे मातरम अरविंद द्वारा प्रकाशित एक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र था जिसका जो प्रकाशन है आपका कब हुआ है, तो 1905 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका 1905 हो जाएगा। एक वंदे मातरम दोस्तों आपका अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र था, इसके अलावा वंदे मातरम हम लोग का राष्ट्रीय गीत भी है जो कि दोस्तों आनंद मत पुस्तक में लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया पेंसिलिन किस कवक से बनाया जाता है। ठीक है, तो पेंसिलिन किस कवक से बनाया जाता है क्या पूछा गया था बोलो बताइएगा, तो एंटीबायोटिक पेंसिलिन ग्रीन मोल्ड पेनिसिलियम नोटेम नामक कवक से प्राप्त होता है। ठीक है, तो कवक का नाम पूछा गया होगा तो पेनिसिलिन ग्रीन मोल्ड पेनिसिलियम नोटेटम आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा पहली बार जो पेंसिलिन का जो आपका प्रयोगात्मक रूप से पता लगाया था वो आपका फ्लेमिंग ने लगाया था। इसके अलावा पेंसिलिन मोल्ड एक जीवाणुरोधी पदार्थ को स्रावित करता है और सबसे पहले इसमें सक्रिय पदार्थ को शामिल किया जाता है जिसे उन्हें 1928 में पेंसिलिन नाम आपका दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निकट दृष्टि दोष में किसका प्रयोग किया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष में नेत्र का दूरबिंदु अनंत से कम दूरी पर हो जाता है। आंखों के लिए इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, निकट में आपका अवतल लेंस करते हैं लेकिन अब से आपका दूरदृष्टि दोष पूछा जाएगा तो ये दोस्तों आपका उत्तल लेंस आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स कि जिन पेड़ों में जड़ तना पट्टी नहीं होता है क्या कहलाता है, तो आपको इसका राइट आंसर ब्रायोफाइट्स हो जाएगा। ठीक है, ब्रायोफाइट्स की कई जड़ें पत्तियां या तना नहीं होता है, मॉस और लीवरवाट्स इस समूह से संबंधित है। ठीक है, तो ब्रायोफाइट्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संविधान सभा में दलित वर्ग से कौन संबंधित था, तो दलित वर्ग से दोस्तों आपका कौन संबंधित था, तो ऑप्शन में क्या दिया गया था आप लोग बताइएगा, दलित वर्ग से तो आपके बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ही आपके क्या थे संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन में होगा तो राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा संविधान सभा में कुल सदस्य कितना थे, तो 300 आपका 89 था जिनमें से भारत में 1999 ही रह गए हैं जिनमें से 229 है जो कि चुने गए थे, जो कि वहीं पर 70 लोग मनोनीत थे जिसमें से कुल महिलाओं के सदस्यों की संख्या 15 थी, अनुसूचित जाति यानी कि SC का आपका 26 था, अनुसूचित जनजाति का आपका 33 था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया मोहिनीअट्टम किस से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका केरल हो जाएगा। ठीक है, केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, इसका मोहिनीअट्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों वो पूछा गया अभी मिल नहीं पाया है, बाकी हम लोग PDF में इसको शामिल कर देंगे। ठीक है,
तो और भी प्रश्न मिलेंगे फ्रेंड्स, उसको हम लोग पीडीएफ में शामिल कर देंगे। एक बार इसका देख लेते हैं, इसका जो फंक्शन है आपका सेक्शन वाइज कितने कितने प्रश्न पूछे गए हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 में। तो देखिए मैथ और रीजनिंग से दोस्तों आपका मैथ से आपका 30 प्रश्न, आपका रीजनिंग से आपका 35 प्रश्न, यानी कि मैथ प्लस रीजनिंग आपका 65 क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है। साइंस से बात करेंगे तो साइंस से दोस्तों आपका 10 से 12 प्रश्न पूछे गए हैं, हालांकि मिल नहीं पाया है कुछ प्रश्न, तो उसको हम लोग पीडीएफ में शामिल करेंगे, नहीं तो ऑल शिफ्ट के वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, करंट अफेयर्स से बात करेंगे तो करंट अफेयर्स से दोस्तों आपका 5 क्वेश्चन पूछा गया है। एमपी जीके की बात करेंगे, मध्य प्रदेश जीके से तो 10 क्वेश्चन, और जीके से बात करेंगे तो 10 क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया है, यानी कि कुल प्रश्नों की संख्या आपका 100 था, जिसमें से सेक्शन वाइज आपका इस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। तो सबसे ज़्यादा जो आपका जो सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण आपका सेक्शन रखता है मैथ और रीजनिंग का रखता है, जिससे आपका 65 प्रश्न जो कि पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसी का तैयारी कीजिए, जम तर्क कीजिए, ताकि जीके का प्रश्न आपका कहाँ से आएगा नहीं आएगा ये पता नहीं चल पाएगा, जब तक आपका एक दो दिन का एग्जाम है जो कि कंडक्ट नहीं हो जाता है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।